डिजिटल इंडिया को सार्थक करते हुए आज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम, पॉलिसी इंचार्ज ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम के नाते एक अनोखा चीज आज सामने लाया है। स्किल इंडिया एक ब्रांड था, एक मूवमेंट था, एक प्रोग्राम था, क्रॉस कटिंग मिनिस्ट्री, क्रॉस कटिंग स्टेट्स, क्रॉस कटिंग इंडस्ट्री, सभी को स्किल मैनपावर चाहिए। केवल हमारी देश की अर्थनीति को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना इसीलिए नहीं, ग्लोबल ग्रोथ के लिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए अगर समाज में कामकाजी लोगों में हुनर लोग रहेंगे, जानकार लोग रहेंगे, स्किल मैनपावर लोग रहेंगे, तब स्किल मैनपावर रहेंगे तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये सबको समझ में आ रहा था, लेकिन इसको हम अपने अपने हिस्से में करते भी रहते थे। राज्य भी अपना अपना काम कर रहा है, इंडस्ट्री भी अपना काम कर रहा है, सेक्टर स्किल काउंसिल अपना अपना पहल कर रहे थे, भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री अपना काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, मैं भी राजीव जी को आप उनकी शब्दावली में समझ रहा था और समझा रहा था। राजीव जी देश की कम्युनिकेशन दुनिया के एक बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति है, वो टीवी चैनल्स के साथ भी जुड़े रहते हैं। उनको मैंने कहा कि सुवर्ण डिजिटल हो गया, आज एनडीटीवी डिजिटल हो गया, लोकसभा टीवी सांसद टीवी डिजिटल हो गया, यह हमारे ओटीटी आ गया आज। और उसमें स्किल फॉर ऑल, स्किल एनी टाइम, स्किल एनी होया, मैंने रात को व्यक्ति सोते हुए अभी चाहेगा ये स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल को खोलेगा और उसमें से 2 नया स्किल सीख के सोएगा। अभी ये उसकी बेंचमार्क है। और कैसे सीखेगा? भारत में लगभग किताब और जिसके अक्षर है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं, भोजपुरी की कोई लेटर्स नहीं है संजय जी, मैं अगर सही हूं तो भोजपुरी भाषा की कोई तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन विश्व की एक प्रभावशाली भाषा है। इससे लेके सुदूर आदिवासी इलाका में 25-30 हजार की कम्युनिटी भी, प्रिमिटिव ट्राइब भी एक भाषा बोलता है।